हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्केट जैसी राखी हम घर पर कैसे बना सकते हैं। ये है फेविक्रिल का मोल्डेड। इसमें दो पैकेट आते हैं, जो कि एक है हार्डनर और एक है रिज बेस्ड, जिसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसका हम डो तैयार करने वाले हैं। करते वक्त ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसलिए हम इसे सॉफ्ट बनाने के लिए कोई भी पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पॉन्स यूज़ कर सकते हैं, बेबी जॉनसन का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मोल्डेड का शेप हम अपने तरीके से रख सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। आपके पास कोई भी कांच की ग्लास हो तो उसे आप इसे प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके ये एकदम राउंड शेप एकदम बराबर में आएगा आपको। इसके बाद इसे पाउडर लगा कर आप सॉफ्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी दरार आ जाती है, जैसे आप शीशा उठाएंगे तो थोड़ी सी दरार निकलती है इसके लिए। और ये टिन लेकर हम आप उसमें थोड़ा सा होल कर लेंगे, जिससे कि आप जब राखी का टोरी उसमें डालें तो बराबर से वो चला जाए, प्रॉब्लम ना करें। हमने मोल्डेड को शेप दे दिया है, अब इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसे कलर कर लेंगे, जैसा कि ब्लैक, वाइट, जैसा आपको कलर चाहिए आप उस पर कलर कर सकते हैं। हमारा बेस कलर भी ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने के बाद से हमने इस पर डिज़ाइन बना दिया था, जो भी हमें शेप चाहिए था। अगर आप डायरेक्ट कलर करते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको पहले डिज़ाइन दे दीजिए। ड्राई होने के बाद से डिज़ाइन देने के बाद उसके ऊपर से आप कलर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम कलर डार्क टू लाइट ले जा रहे हैं, इससे कलर जो है थोड़ा खिलकर नज़र आएगा। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हम ये फैंसी क्यों कर रहे हैं, टूल्स हमारे पास थे, बट हमने सोचा कि जब होममेड है, बहुत लोगों के पास ये टूल्स होते नहीं हैं मांडला आर्ट के, तो हमने सोचा कि डॉटेड पेंटिंग हम क्यों ना घर के टूल्स से ही करें, जैसे कि ये पेन हो गया और ये पिन हो गया, तो इससे बहुत आसानी से बन जा रहा था, बहुत सुंदर बना है। सच बता रहे हैं, फाइनल लुक आप देखेंगे कहेंगे सच में घर की चीज़ों से भी हम इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, इतनी आसानी से बिना टूल के भी हम घर की चीज़ों से अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जाते हैं पूरे डिज़ाइंस, और हमने इसीलिए इसमें फेविक्रिल का यूज़ किया है, फेविक्रिल के कलर का है। We'll be right back.
स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हैं आप ये घर के तरीके सॉफ्ट तरीके से ये डिज़ाइन बन गए हैं, बहुत आसानी से इजी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इससे। सेप्टिक पिन से कर रहे हैं जो कि हर घर में मिल ही जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे करना वो छोटे छोटे डॉट्स बनाना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो बनाने में। आप भी घर पे इसे ट्राई कीजिए, आप भी इसे बनाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आया इसे बनाने में। भाई हमें तो बहुत मज़ा आया था इसे बनाने में। पेन से हम बना रहे हैं डॉटेड पेंटिंग, वो भी इतना सॉफ्ट बन रहा है। इसे बनाते हुए तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत आसानी से बन रहा था। आई डोंट थिंक हमें दोबारा डॉटेड पेंटिंग की टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेन से ज़्यादा आसानी से बनता है और हम ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं इसे बनाना। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर बन रहा है ये। छोटे बच्चों के स्कूल में अक्सर रक्षाबंधन आने पर राखियाँ बनवाई जाती हैं जो कि बच्चे आप लोग तो खाली नहीं रहते हैं, बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो आप एक वीडियो वो भी देख लीजिएगा, हमने शॉर्ट वीडियोस में डाल रखी हैं जो कि बहुत आसानी से 5 से 10 मिनट में छोटे बच्चे बना सकते हैं, वो भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके उसे भी चेकआउट कीजिए।
सबके लिए हमने इतनी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। अब इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी जल्दी जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।